Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. कोठार किला शिमला से 52 किलोमीटर और सोलन से 33 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है. कोठार का किला लगभग 800 साल पुराना है और ये सोलन के पास घूमने की मुख्य जगहों में से एक है. कोठार किला मूल रूप से 800 साल पहले गोरखा राजाओं द्वारा बनाया गया था, जब उन्होंने भूमि के इस हिस्से पर शासन किया था. किले के कुछ हिस्से 80 साल पुराने हैं. 53 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैला इस किले में परिसर के अंदर सुंदर उद्यान, ताज़े पानी के झरने और प्राचीन मंदिर हैं. किले के भीतर बहने वाले ताज़े पानी के झरने एक दुर्लभ दृश्य है जिसकी हर प्रशंसा करते हैं. लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोठार किला कोठार पर्वत की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और शिमला की बर्फ से ढकी चोटियों, सुबातू किले और हिमालय की एक विस्तृत श्रृंखला के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है. किला प्रभावशाली राजस्थानी वास्तुकला का प्रदर्शन करता है और राजपूताना संरचनात्मक का एक सच्चा अभिव्यक्त है. कॉलोनेड, जटिल स्तंभ और मेहराब इसकी सुंदरता को बहुत अधिक उजागर करते हैं. अंदरूनी हिस्सों में आपको जटिल लकड़ी की नक्काशी और बेहतरीन पेंटिंग देखने को मिलेगी जो कि विस्मयकारी है. कोठार किले को कभी कोठार के शाही परिवार का निवास स्थान माना जाता था. यह एक शानदार विरासत स्थल है और जिसके एक हिस्से को शाही रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया है. पर्यटक के संबंध में महल को भारत में छुट्टियां बिताने के लिए सबसे आदर्श स्थानों में से एक माना जाता है. यह आसपास के वातावरण और इसकी स्थापत्य सुंदरता के कारण आगंतुकों के लिए एक रोमांटिक वातावरण भी प्रदान करता है. विशेष रूप से महल की भव्यता भी इसे एक सुरग स्थान बनाती है जो आगंतुकों के लिए एक खूबसूरत जगह प्रदान करती है. अगर आप लोग शिमला जा रहे हैं तो कोठार किले को देखना ना भूलिएगा. ये भारत का सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक किला है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.